अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर शर और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। आज की मेरी वीडियो जो है वो मैचिंग सेपरेट्स के बारे में है। एज़ यू ऑल नो दैट मैचिंग सेपरेट्स आर वेरी मच इन फैशन, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मैचिंग सेपरेट्स। मैंने जो है लास्ट ईयर ये मैचिंग सेपरेट लाइमलाइट से लिया था, एंड इवन यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन इन इट्स अदर कलर। दूसरे कलर में भी ये है, और दूसरा इसका जो है वो ऑलिव ग्रीन सा कलर है विद आई थिंक सो शॉकिंग पिंक के कंट्रास्ट के साथ है। तो इसमें जो है वो ये रस्ट कलर है, और इसमें देखिए जिसके डिटेल्स कितनी सिंपल है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और इसमें ऑलिव ग्रीन कलर के ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल रखी है। राउंड जो है वो नेक के साथ मैंने इसको बनाया है, और यहाँ पे छोटी सी मैंने ये जो है डिटेलिंग ऐड कर दी है। ये इस तरह के लेस जो है वो मोटिव्स मिलते हैं, और आप इनको तीन चार को इकट्ठा करके अपने ट्राउज़र के पांचों पे और चॉक्स के अराउंड और जिप अगर आप लोग रखवाते हैं अपनी शर्ट पे बैक पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो भी शर्ट शेयर करूँगी जहाँ पर मैंने इसकी इन लेसेस को काफ़ी सारा यूज़ किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एवरीडे वेयर के लिए जो है वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। ये सिंपल सी मेरी शर्ट है, और इसका मैं आप लोगों को ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। सिंपली मैंने क्या किया है, दुपट्टे का एक कलर उठा शॉकिंग पिंक उसकी एजिंग करवा ली, और जस्ट लुक एट दिस दुपट्टा। दुपट्टा देखिए जी, इसका सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी दुपट्टा ही है, और सिंपल जो है वो कलर को इन्हांस कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। सो दिस इज़ द ट्राउज़र, एंड एज यू कैन सी आई हैव कैप्ट इट वेरी सिंपल। और मैंने इसमें क्या किया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एवरीडे वेयर को बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में नहीं जाती हूँ। और डेली जो वर्किंग वूमेन होती हैं, काम करने वाले लोग, ऑफिस में जाने वाले, या इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स भी जो हैं, उनको डेली के जो आपका डेली वेयर है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की और उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें सिंपल एक शटर लैस जो है वो ऐड कराई है, और इससे इसकी खूबसूरती जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है। ठीक है जी, और वही वाली लेस मोटिव जो है वो मैंने पांचों पे दोनों तरफ जो है वो इस्तेमाल कर ली है, और इससे इसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद उठ रही है। इसके बाद आपको इसमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द एक्सेसरीज़, कि आप अपनी एवरीडे वेयर को कैसे एक्सेसराइज कर सकते हैं। छोटी छोटी जो है वो एक्सेसरीज़ के साथ आप इसको बहुत अच्छा सा जो है वो कैरी कर सकते हैं जी। सो हेयर आर द एक्सेसरीज आई एम गोइंग टू यूज़ विद दिस आउटफिट। और ये देखिए, मैं सिंपल जो है वो एक अब साइड पे बाजू में चूड़ी पहनती हूँ या गोल्ड का ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। कोई भी चीज़ आप लोग पहन सकते हैं, और अगर आप गोल्ड को कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो है वो लाइट सी नगो वाली जो है वो चूड़ियाँ बैंगल्स ये जो आपको मिलती हैं आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसके साथ वॉचेस को चेंज करने रहती हूँ। फॉर्मली अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इसके साथ जो है वो पहन सकते हैं गोल्डन या अपनी सिल्वर वॉच जो भी आप कैरी कर रहे हैं। और मैं इसके कलर को लेते हुए इसमें जो ग्रीन कलर है उसके साथ मैं ग्रीन पहन लेती हूँ, और आप ये देख सकते हैं जो मेरे टॉप्स हैं। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने से आपके आउटफिट की जो है खूबसूरती बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे पास ये गोल्डन में गोल्डन कलर में है, आप शॉकिंग पिंक भी इसके साथ पहन सकते हैं, और देखिए ये वाले टॉप्स भी हैं जो कि मैं इसके साथ कैरी करूँगी। तो आप छोटी छोटी एक्सेसरीज़ के साथ अपने जो है वो आउटफिट को बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हेयर एक्सेसरीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका जो होता है वो आउटफिट होता है। आपके बाल भी बहुत खूबसूरत रख लेने चाहिए, तो अगेन मैं शॉकिंग पिंक या ऑरेंज इसमें से जो है वो कोई भी कलर इसमें से पिक कर लूँगी। अब बारी आती है कि व्हाट आई विल बी वेयरिंग फॉर माय फुटवेयर, तो लेट मी शो यू। अच्छा जी, फुटवेयर के लिए आई विल बी गोइंग फॉर दीज खुसाज। आप इसमें ग्रीन भी पहन सकते हैं, शॉकिंग पिंक भी पहन सकते हैं, और एज आई टोल्ड यू कि वर्किंग वुमन जो होती हैं या जॉब्स पे यूनिवर्सिटीज पे जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बैग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सो आई विल बी कैरिंग दिस बैग विद द आउटफिट। रात ही में मैंने इसमें जो है वो अपनी चीज़ें वगैरह डाल ली थी। ठीक है, आप ज़रूरी होता है कि आप जो है रात को ही सारी चीज़ें तैयार करके रख लें। नाउ आई विल बी शोइंग यू द फाइनल लुक, हाउ आई विल बी कैरिंग दिस आउटफिट। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई आउटफिट, आई एम रेडी टू लीव। मैं जो हूँ वो कैसे एवरीडे वेयर के लिए तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ, मैं आपको उसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए जी, ये है मेरी फाइनल लुक। इस तरीके से आप लोग भी बहुत ही सिंपल डिटेल्स के साथ काम करके अपने आउटफिट को जो है वो एवरीडे वेयर के लिए अच्छे से कैरी कर सकते हैं। लेट मी शो यू माय बैग। सो दिस इज़ माय बैग, एंड
हेयर इज़ माई लास्ट फाइनल टच। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।